नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं विषय विज्ञान का पाठ पाँच अम्ल, क्षार और लवण का भाग दो शुरू करते हैं। भाग एक में हमने अम्ल क्षार की परिभाषा और उनके उदाहरण देखे थे। तो परिभाषा में हमने देखा था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम हर किसी पदार्थ को ऐसे चख कर या उनके स्वाद के आधार पर ये नहीं बता सकते कि वो अम्ल है या क्षार है, क्योंकि कुछ पदार्थ जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए हम हर किसी पदार्थ को चख कर ये नहीं बता सकते। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको उपयोग में लेकर हम उस पदार्थ की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। आज हम सूचक के बारे में देखते हैं। तो ऐसे पदार्थों के बीज जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन बीजन में भिन्न रंग को दर्शाकर उनकी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो अम्ल है क्षार है, वो सूचक कहलाते हैं। अब सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण देखें तो लिटमस, हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियां, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसी प्रकार संश्लेषित या मानव निर्मित सूचक, तो वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं प्रयोगशालाओं में वो मानव निर्मित सूचक कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखें तो फिनोक्टीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये तो हो गए सूचक दो प्रकार के। अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचकों के बारे में। तो प्राकृतिक सूचक कहना है लिटमस, ठीक है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है और ये दो पत्र या दो रंगों के रूप में उपलब्ध होता है, तो लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार में अपना रंग परिवर्तन करके कैसे दर्शाता है कि भाई कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षार है। तो यदि हम कोई अम्ल ले लें जैसे नींबू का रस, आंवला, सिरका, यदि कुछ अम्ल पदार्थ के बीज ले रहे तो उनमें यदि हम अगर लाल लिटमस डालते हैं तो अम्ल में वो लाल लिटमस अपना रंग नहीं बदलता, लाल का लाल ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम कोई क्षार क्षारीय पदार्थ देते हैं जैसे साबुन का पानी है, चूने का पानी है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ऐसे कुछ क्षारीय पदार्थ देते हैं और उनमें लाल लिटमस डालते हैं तो यह अपना रंग बदलकर लाल से नीला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें लाल लिटमस अपना रंग बदलकर नीला हो कर देता है वो पदार्थ क्षारीय कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसमें लाल लिटमस अपना रंग नहीं बदलता, लाल का लाल ही रहता है, तो वे पदार्थ अम्ल होते हैं। उसी प्रकार नीला लिटमस जो है अम्लीय पदार्थ में डालेंगे तो अपना रंग बदलकर लाल कर देता है, ठीक है। नीला लिटमस जिन पदार्थों में अपना रंग बदलकर लाल करता है वे पदार्थ अम्लीय होते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें नीला लिटमस अपना रंग नहीं बदलता है, नीले का नीला ही रहता है, वे पदार्थ क्षारीय होते हैं। तो इस प्रकार हम लिटमस पत्र की सहायता से पदार्थों की प्रकृति वो अम्ल है या क्षारीय है का पता। अब हम दूसरा प्राकृतिक सूचक हल्दी देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हल्दी का रंग पीला होता है, या हमारे दैनिक जीवन में भी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि मान लो हम खाना खा रहे होते हैं और जो सब्जी बनी होती है, जो खाना बना होता है उसके कुछ कण या कुछ खाना है या कुछ सब्जी है वो हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाती है, तो कपड़ों पर पीला पीला दाग बन जाता है हल्दी के पीले रंग के कारण। अब जैसे हम उन कपड़ों को धोते हैं तो उन पर जैसे ही हम साबुन लगाते हैं तो वो पीला रंग बदलकर लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये हल्दी भी अपना रंग बदलकर हमें उन पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताती है। तो अब वो लाल रंग क्यों होता है, तो जैसे हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो साबुन जो है वो एक क्षारीय पदार्थ होता है, तो जैसे ही उस पीले रंग पर क्षार लगता है तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। मतलब ये हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है। तो हल्दी जो है अम्ल में तो अपना रंग नहीं बदलती, पीला में पीला ही रंग रखती है, लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में आती है तो यह अपना रंग बदल
बदलकर पीले से लाल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हल्दी भी अपना रंग परिवर्तन करके उन पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताती है। तीसरा जो है वो प्राकृतिक सूचक है गुड़हल की पंखुड़ियां। तो गुड़हल की पंखुड़ियां जो है वो अम्ल में गहरा गुलाबी रंग दर्शाती है और शार में हरा रंग दर्शाती है। तो इस प्रकार ये हमारे तीन प्राकृतिक सूचक हो जाते हैं। अब हम वापस प्राकृतिक सूचकों को देखते हैं कि वो अम्ल और शार में अपना रंग परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। तो लिटमस पत्र की बात करें तो लाल लिटमस जो है वो अम्ल में अपना रंग नहीं बदलता और लाल का लाल ही रहता है, जबकि शार में अपना रंग बदलकर नीला कर देता है। नीला लिटमस जो है वो अम्ल में अपना रंग बदलकर लाल कर देता है, जबकि शार में नीला का नीला ही रहता है। हल्दी जो है वो अम्ल में अपना रंग नहीं बदलती और पीला रंग ही रंगती है, जबकि शार में अपना रंग बदलकर लाल कर देती है। उसी प्रकार गुड़हल की पंखुड़ियां जो है वो अम्ल में तो गहरा गुलाबी रंग देती है और शार में हरा रंग देती है। इस प्रकार एक प्राकृतिक सूचक है जो अपना रंग बदलती